आगे बढ़ते हैं। बिहार में सभी आयोग, बोर्ड और निगम से जुड़े जेडीयू नेताओं के इस्तीफे के निर्देश को लेकर अब सियासत गर्म हो रही है। बीजेपी ने सरकार पर लालू प्रसाद यादव के दबाव में यह फैसला लेने का आरोप लगाया है। वहीं आरजेडी ने नंबर के आधार पर आयोग में हिस्सेदारी की बात कही है, जबकि जेडीयू ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया है। देखिए, ये सामान्य तौर पर कई निगमों के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, कई निगमों के पद अभी भी खाली हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये अस्वाभाविक, ये अप्रत्याशित नहीं है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और गठबंधन के जो बाकी सहयोगी दल हैं उनके भी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को स्थान मिले, यह भी कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश होगी, तो इसलिए इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। जब नई सरकार बनी है और महागठबंधन की सरकार बनी है, तो जितने भी बोर्ड है और निगम है उसमें राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और वर्षों से इन्होंने दल में रह कर करके दल और समाज का काम किया है, वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जब सरकार बदलती है तो स्वतः ये सब जो बोर्ड है, निगम है, इसके कहीं कहीं तो एक व्यवस्था है, एक परंपरा है कि लोग रिजाइन कर देते हैं, या सरकार, नई सरकार जब बनती है तो इन सारे बोर्ड निगम को विघटित कर करके नए ढंग से जो मैंडेट हमें प्राप्त हुआ है उस मैंडेट के हिसाब से, मतलब कि नए लोगों को जो मैंडेट दिलाने में जिनकी भूमिका रही है उनका पार्टिसिपेशन हो। मैंने कहा कि सरकार दो जगह से चल रही है, एक रिमोट लालू के हाथ में है, एक नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश लालू के यहाँ से रिमोट दबा है कि हमारे आयोगों में केवल आपके लोग बैठे हुए हैं, हमारे लोग नहीं हैं, तो लालू के रिमोट से चला और लालू ने रिमोट दबाया और नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांगा। सरकार नीतीश कुमार के बल पर नहीं चली, जिसका जो बड़ा दल है, बड़ा भाई है, उसका रिमोट दब गया कि इस्तीफा चाहिए और हमारे लोग को इसमें शामिल करिए, वहाँ से रिमोट दबा, नीतीश कुमार का अपने आप चैनल शुरू हो गया और इन्होंने सबको इस्तीफा देने के लिए कह दिया। पूरी तरह लालू प्रसाद जी के दबाव में इस काम को किया है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। बिहार में शराबबंदी को सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के नेता एक क्रांतिकारी फैसला बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी के बिहार अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की माने तो नीतीश सरकार में लिए जा रहे हर बड़े फैसले के पीछे लालू प्रसाद यादव होते हैं। दरअसल पूर्वे के इस बयान पर जवाब जेडीयू ने भी दिया है, लेकिन इस दावे के साथ कि फैसला लेने से पहले नीतीश सबको विश्वास में लेते हैं। बिहार की जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा कोई भी क्रांतिकारी निर्णय लिया जाता है तो उसके पहले महागठबंधन के मेकर लालू प्रसाद यादव की सहमति निश्चित रूप से होती है, यह माइंडसेट सबका है। नीतीश कुमार जी सबको विश्वास में लेते हैं, फैसला वो खुद लेते हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो पूरी तरह से 40 वर्षों का संसदीय जीवन है, लोकतांत्रिक मूल्यों का वो सम्मान करते हैं और गठबंधन धर्म की यह परंपरा है और उसकी यह मान्यता है कि सरकार कोई फैसले लेती है तो गठबंधन के सहयोगियों को उसमें कहीं ना कहीं उन फैसलों में शामिल किया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए। बात अगली खबर की। एमएलसी मनोरमा देवी ने आज गया सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद मनोरमा देवी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मनोरमा देवी के घर में छापेमारी के दौरान शराब की बोतलें बरामद हुई थी, उसके बाद नए उत्पाद नीति के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया था और उनसे इस मामले में जवाब भी मांगा गया था। मनोरमा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। सोमवार को गया की कोर्ट में मनोरमा देवी को तुरंत राहत नहीं देते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की गई थी। तो कोर्ट ने 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और उनकी तबीयत खराब है। कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो जेल के डॉक्टर हैं या उनके ट्रीटमेंट में उनको रखा जाए। कोर्ट ने उसको आगे लाया।
एमएलसी मनोरमा देवी ने खुद को निर्दोष बताया है। गया कोर्ट में सरेंडर के दौरान मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। तो ये क्या आपको फंसाया गया है? राजनीति के तहत हमको आपकी ही तो सरकार है। चलिए आपकी ही तो सरकार है। राजनीति के तहत फंसाया गया है। चलिए भाजपा के लोग हैं बड़े बड़े होते कर रहे हैं। इधर एमएलसी मनोरमा देवी की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि बिहार में कानून सबके लिए बराबर है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिवान पत्रकार मामले में भी न्याय होगा। देखिए, मैं पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी का राज है, सुशासन का राज है, और सरकार के दबिश और प्रशासन के दबिश के कारण मनोरमा देवी को सरेंडर करना पड़ा। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी का यहाँ शासन जो चल रहा है उसी के अंदर में नहीं चलता है। वो अपने विवेक से काम करते हैं और उनका गुड गवर्नेंस प्रदेश और दुनिया में जानता है। वही हाल सिवान में होने वाला है। कल सीबीआई को जांच दे दिया मुख्यमंत्री जी ने और वहां भी जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल ये वो हालात हैं जो नीतीश कुमार के लिए सियासी तौर पर भी परेशानी का सबब है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है नीतीश कुमार के यूएसपी को, जिसकी बानगी देश में दी जाती रही है। समाज पर असर तो इन्हीं बातों का पड़ता है। कानून का राज तो तभी कायम होगा जब सही मायने में कानून के राज को कायम करने की जिम्मेवारी जिनकी है वो सब एकजुट होकर काम करने लगेंगे। आप समय पर ठीक से चार्जशीट फाइल करिए। अगर चार्जशीट ही नहीं ठीक फाइल करिएगा तो आपका केस कहाँ टिकेगा? हम लोगों ने देखा बहुत सारे केसेज में लोगों को रिलीफ मिला है चार्जशीट ठीक नहीं फाइल होने का। तो चार्जशीट ठीक से फाइल हो। ये महज संयोग नहीं है कि नीतीश कुमार के इस कबूलनामे का जवाब अपराधियों ने दो हत्या करके दी। मुख्यमंत्री अब चिंतित है क्योंकि बिहार में दुरुस्त कानून व्यवस्था नीतीश कुमार का यूएसपी रहा है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। बिहार में स्पीडी ट्रायल का हाल, 2010 में 14,311 स्पीडी ट्रायल हुए, 2012 में 15,000 अपराधियों का स्पीडी ट्रायल किया गया, जबकि 2015 में ये घटकर 4,513 हो गया और 2016 में अब तक 965 अपराधियों का स्पीडी ट्रायल हुआ है। स्पीडी ट्रायल के गिरते इस आंकड़े पर विपक्ष को कहने का मौका मिल गया है कि बिहार में कानून व्यवस्था धाराशायी हो रहा है। इसलिए सवाल सीधे नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं। ये तो देखिए, खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और वो कह रहे कि स्पीडी ट्रायल क्यों घटा, क्यों कम हुई, और वो डीजीपी से पूछ रहे। मुख्यमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, 12 साल से गृह मंत्री मुख्यमंत्री आप हैं और सवाल डीजीपी से पूछ रहे हैं। और देखिए, जो स्पीडी ट्रायल है 2006-07 या 08-09 के समय में, एक साल में 12,000, 13,000 और एक समय में तो एक साल में 16,000 लोगों को सजा हुई और ये संख्या घटकर अब 6,000 पे पहुंच गई। तो इसका जवाब तो नीतीश जी को देना है। दरअसल 2013 में जब नीतीश कुमार सियासी भंवर में फंसे थे तो अपराधियों ने भी अपने हाथ खोल दिए थे। हालांकि जिन अधिकारियों ने अपराधियों का मनोबल तोड़ा था, आज जवाब उनके पास भी नहीं है। आदित्य और राजदेव हत्याकांड ने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया है और इस हालात में नीतीश की सियासी मुश्किल ये है कि उनके मिशन 2019 के सामने चुनौतियों की फहरिस्त लंबी हो गई है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और बात रांची की, जहां पर झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के इंजीनियर की बहाली परीक्षा का पर्चा लीक होने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। आपको बताएं कि परीक्षार्थियों ने सरकार की जांच प्रक्रिया पर यहां सवाल उठा दिया है। दरअसल विभाग ने विजिलेंस आईजी के नेतृत्व में 4 सदस्यों की टीम बनाई, लेकिन टीम में विभाग के उन्हीं अधिकारियों को रखा गया जिन पर पर्चा लीक करने का आरोप है। झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ ने इसका विरोध किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा पूरे मामले की एंटी करप्शन विंग से जांच नहीं कराने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। जांच कमेटी जो बनाई गई, हम लोग चाहेंगे
कि एंटी करप्शन ब्यूरो से इस पूरे मामले की जांच हो, चूंकि वहां पर आईजी विजिलेंस को वहां पर जोर लगाया गया है और वो इसकी जांच भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं है, वो सारी सुविधाएं नहीं है, सिर्फ वहां पर एक पोस्ट क्रिएट करके रख दिया गया है, लेकिन वहां पर जो संसाधन उनको मिलना चाहिए था, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो कहीं पर नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में आप एक दूसरी कमेटी बनाइए, लेकिन उसमें बोर्ड से जुड़े हुए लोग नहीं हों।